बेटमा थाना क्षेत्र के माचल गांव के तीन मोड़ी के पास से पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। यह शराब धार से इंदौर ले जाई जा रही थी। 41 पेटी शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। दो आरोपियों को पुलिस ने वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर सागर रोड पर ड्यूटी के दौरान एक बोलेरो वाहन को रोका गया, इसमें शराब की पेटियां जब्त की गई। इंदौर रोड पर तसल्ली रिसोर्ट के आगे तीन मोड़ों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।